बैक टू सुहानीज रूस्ट। टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा, आज की वीडियो एक अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है और ये अनबॉक्सिंग वीडियो इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन वोवली। पूरा का पूरा सामान मैंने वोवली से लिया है। अब वोवली एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट एंड एमेजॉन, बट द डिफरेंस इज दैट वोवली में यूजर जनरेटेड कॉन्टेंट भी अवेलेबल है। सो बेसिकली वोवली इज अ मिक्स ऑफ एमेजॉन एंड इंस्टाग्राम यू कैन से। तो इसमें आप डिफरेंट लोगों को फॉलो कर सकते हो, उनके वीडियोस देख सकते हो, रिव्यूज देख सकते हो रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स दे हैव परचेज, एंड एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो परचेज द प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम वोवली। बेस्ट पार्ट इज दैट वोवली में जो प्रोडक्ट्स हैं काफी अच्छे डिस्काउंट्स पे अवेलेबल है। सो इफ यू वॉन्ट टू सेव सम मनी, अच्छा डिस्काउंट चाहते हो, तो आप वोवली एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हो और सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग ऑफ द थिंग्स जो मैंने खरीदे। ये अब तक का मेरा सबसे ज्यादा बड़ा हॉल होने वाला है बिकॉज आई हैव शॉप्ड फ्रॉम 11 डिफरेंट ब्रांड्स ऑन वोवली। द बेस्ट पार्ट इज दैट ये जो एप्लीकेशन है सारे प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू ब्रांड डिलीवर करता है। सो आई हैव अ सेपरेट बॉक्स फॉर ईच ब्रांड, आई डोंट हैव टू सेग्रीगेट एनीथिंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अनबॉक्सिंग, बट बिफोर दैट प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम वेरी क्लोज टू 2000 सब्सक्राइबर्स एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आई एम वेरी एक्साइटेड, सो प्लीज हेल्प मी रीच देयर। Now let's get started with the unboxing. The very first brand that I have here to unbox is this. Now this one is from Do You Beauty. Do You Beauty से मैंने दो lip serums order किए हैं। ये कुछ इस type के packaging में आया है। These are the two lip serums. It says that it not just hydrates, ये plump करने में भी help करता है। This one is cinnamon, like flavor इसका cinnamon है और इसका mint flavor है। द थिंग इज दैट ये डेफिनेटली काफी अच्छा मॉइस्चराइजर है, लिप्स को काफी अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, बट इट इज नॉट अ प्लम्पर। अगर आप प्लम्पर की वजह से यू वॉन्ट टू बाय दिस प्रोडक्ट, डू नॉट गो फॉर दिस, इट डज नॉट प्लम्प योर लिप्स। मैंने यूज करके देख लिया है ऑलरेडी, बट ये इतना ज्यादा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है लिप्स को और इतना ज्यादा ये ग्लॉस प्रोवाइड करता है कि आपके लिप्स नेचुरली थोड़ा बड़े लगते हैं देन द यूजल लिप्स। या दैट इज द मोस्ट इट डज, इट इज नॉट अ प्लम्पर। सो या डू यू ब्यूटी से मैंने बस ये दो लिप सीरम्स मंगाए थे। द सेकेंड ब्रांड दैट आई ट्राइड इज दिस, दिस वन इज फ्रॉम एच ब्यूटी। इसका एक नॉर्मल सा पैकेट पैकेजिंग आया है, अंदर इसके दो प्रोडक्ट्स मुझे रिसीव हुए हैं। आई ऑर्डर दीज टू फ्रॉम एच ब्यूटी। नाउ ये जो है ये लिप पॉट्स हैं, मैं एक बार पैकेट ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। दीज आर द लिप पॉट्स, मैंने दो डिफरेंट शेड में मंगाए हैं, वन इज टेरिफिक टॉफी एंड द अदर वन इज स्पाइसी सिनेमन। अब ये दोनों के दोनों शेड्स ऑफ ब्राउन हैं, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आई शो यू द स्वॉश, क्रीमी है, अच्छी अच्छी कंसिस्टेंसी, अच्छा टेक्सचर है एंड काफी पिगमेंटेड है, नो डाउट। एंड येस दीज लिप पॉट्स कम विद दिस एप्लीकेटर, जिसको मैं यूज नहीं करती हूँ, बट येस फॉर एन इन्फॉर्मेशन दीज आर द एप्लीकेटर्स दैट कम विद इट। नाउ द नेक्स्ट ब्रांड जो मैंने ऑर्डर किया दैट इज दिस, दिस बॉक्स इज फ्रॉम सुतत्व। नाउ इतना बड़ा बॉक्स दे हैव सेंट एंड इसके अंदर अगर आप प्रोडक्ट्स देखोगे तो यू विल ऑल्सो फील कि क्यों, वाई दीज आर द प्रोडक्ट्स, लाइक फॉर दीज टाइनी बॉक्सेस इन लोगों ने इतना बड़ा बॉक्स यूज किया है विच इज यूजलेस। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रोडक्ट्स। सबसे पहले मैंने ये लिया है, ये एक पपाया जेल है। मैंने ये लिया था बिकॉज आई थॉट इट वुड बी लाइक अ रेगुलर पपाया जेल, आप फेस पे लगाओ एंड यू कैन लीव इट वाला, बट इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू अप्लाई इट, लीव इट फॉर 20 मिनट्स एंड देन यू हैव टू वॉश इट ऑफ। सेम गोज विद दिस वन, दिस इज अ डी टैनिंग जेल। ये इस टाइप के बॉटल्स में आते हैं। पैकेजिंग की बात करूं तो पैकेजिंग काफी अट्रैक्टिव है, आई क्वाइट लाइक द पैकेजिंग। इनकी कंसिस्टेंसी और टेक्सचर इतना स्मूथ है, इट ग्लाइड्स लाइक एनीथिंग। मैंने ये वाला एक बार ट्राई किया था एंड अ लिटिल प्रोडक्ट इज मोर देन इनफ, यू कैन सी पूरा जेल बेस कंसिस्टेंसी है। फ्रेग्रेंस भी दोनों ही प्रोडक्ट्स की काफी ज्यादा अच्छी है। सो या सुतत्व से मैंने ये दोनों प्रोडक्ट्स लिए हैं। नेक्स्ट ब्रांड जो मैंने चूज किया था दैट इज ला फ्रेंच। ला फ्रेंच से इस टाइप का बॉक्स आया एंड इनसाइड द बॉक्स दे हैव प्लेस्ड द परफ्यूम दैट आई ऑर्डर्ड। ला फ्रेंच इज बेसिकली अ फ्रेग्रेंस ब्रांड, इसमें सारे टाइप के परफ्यूम्स और बॉडी मिस्ट आपको मिल जाएंगे। दिस वन इज ड्रीम गर्ल कलेक्शन, यू कैन सी। एंड द मेजर रीजन जिसकी वजह से मैंने ये खरीदा इज
आई जस्ट लव द पैकेजिंग, दैट्स इट. पैकेजिंग की वजह से मैंने खरीदा. आई वॉज वेरी वेरी नर्वस फॉर दी फ्रेग्रेंस, बिकॉज मुझे डर लग रहा था अगर फ्रेग्रेंस अच्छा नहीं आया तो ऑल माई मनी विल गो इन टू वेस्ट. बट ऐसा नहीं हुआ. काफी ड्रीमी सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस है, जस्ट लाइक द नेम ऑफ द कलेक्शन, ड्रीम गर्ल. फ्रेग्रेंस भी काफी अच्छी है. नाउ इसमें डिफरेंट फ्रेग्रेंस अवेलेबल है. दिस वन इज ड्रीम गर्ल, यू कैन ऑर्डर सम अदर. अब मुझे बॉटल के कलर्स याद हैं, दे हैड वन रेड, वन इन रेड एंड वन इन ब्लैक. सबके फ्रेग्रेंस अलग है. आई बॉट दिस वन बिकॉज आई लव्ड द एस्थेटिक ऑफ द ब्लू. फ्रेग्रेंस से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को एस्थेटिक अच्छा लगा, दैट्स व्हाई आई बॉट इट. बट लकीली द फ्रेग्रेंस वॉज ऑल्सो नाइस. नेक्स्ट आई बॉट प्रोडक्ट्स फ्रॉम विशिष्ट लाइफस्टाइल. विशिष्ट लाइफस्टाइल का बॉक्स ये है. प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे प्लेस्ड हैं. ये सारे प्रोडक्ट्स ब्राउन कलर के रैप में आए थे बट आई हैव थ्रोन देम अवे, इसलिए अब मेरे पास बस यही बचा है. दिस इज अ पेडिक्योर सेट. मैंने पूरा 3 प्रोडक्ट्स का सेट लिया है. सबसे पहले इट हैज दिस फुट सोक. इसमें आपको बेसिकली अपने पैर डुबो के रखने होते हैं विद हॉट और वार्म वाटर, एंड उसके बाद योर फीट इज रेडी टू स्क्रब. तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इसके सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से भरपूर है. मैं इंग्रेडिएंट्स एक बार बता देती हूँ. इसमें है हिमालयन सॉल्ट, बेकिंग सोडा एंड असेंशियल ऑयल. ये तीनों चीजों का मिक्स है इसके अंदर. दिस इज 250 ग्राम. सेकेंड आई बॉट दिस फुट स्क्रब. ये एक स्क्रब है, इसमें कोर्स सॉल्ट है. इसका जो टेक्सचर है ना, बिल्कुल कंकड़ पत्थर जैसा टेक्सचर है, मतलब बहुत ज्यादा हार्श है. सो यू कैन नॉट यूज इट ऑन योर फेस या बॉडी के किसी भी दूसरे पार्ट पे. इट इज टोटली परफेक्ट फॉर फीट, मतलब इस टाइप का टेक्सचर है. बाकी ये मेल्ट होता है आई गेस, क्योंकि मैंने अपने जब फिंगर से ट्राई किया था, दिस वॉज मेल्टिंग लाइक एनीथिंग. तो येस, जब आप अपने फीट पे इसको रब करोगे इट विल मेल्ट वाइल स्क्रबिंग. सो या इतना ज्यादा हार्श नहीं है, बट अगैन एट द सेम टाइम बॉडी के किसी और पार्ट में यूज नहीं हो सकता है. इसके अंदर भी सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं, पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल एंड नेचुरल कोर्स सी सॉल्ट. दैट इज व्हाई इट हैज दैट रॉकी टेक्सचर. मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट प्रोडक्ट फ्रॉम विशिष्ट लाइफस्टाइल इन दिस सेट इज दिस नेल बाम. मैंने ये बाम ट्राई किया था ऑन माय नेल्स. इट इज एक्चुअली वेरी नाइस, काफी हाइड्रेटिंग है. इस टाइप की इसका टेक्सचर है. सो या, दिस वॉज द थर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम विशिष्ट लाइफस्टाइल. नेक्स्ट जो ब्रांड है उसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी, एंड दैट इज प्रोलिक्सर. ये वाला मेरे बकेट लिस्ट में था सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड दिस इज अ वायरल फेस मास्क वाला ब्रांड. काफी ज्यादा चला था एक टाइम पे, अभी भी चल रहा है, बट लाइक आई एम अ बिट लेट. इसके अंदर 2 प्रोडक्ट्स हैं. पहला जो मैंने ऑर्डर किया है, दिस इज अ डिटॉक्सिफाइंग सी एल्गाई मास्क. ये वाला मास्क प्रोलिक्सर का, इट इज अ वायरल प्रोडक्ट एंड पीपल आर स्वेरिंग अबाउट इट, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई इट. इसके अंदर एक ब्रश आता है एंड अल्टीमेटली देयर इज दिस पॉट. मैं ऑलरेडी 2 बार यूज कर चुकी हूँ, 2 to 3 टाइम्स, एंड इट इज एक्चुअली नाइस. सच में अच्छा है, सो आई डोंट रिग्रेट बाइंग दिस. सो या, दिस इज द मास्क. एंड इसके साथ आई ऑल्सो गॉट अ मॉइस्चराइजर. ये वाला मॉइस्चराइजर मुझे मिला है, दिस वन इज नोन एज वेरी बेरी. ये इस टाइप की ट्यूब पैकेजिंग में आता है. द बेस्ट पार्ट इज दैट एक छोटा सा पी साइज अमाउंट भी अगर आप अप्लाई करते हो ना, तो इट इज वेरी हाइड्रेटिंग. सो इफ यू हैव ड्राई स्किन ऑल्सो ना, यू कैन गो फॉर दिस. दिस इज अ वेरी नाइस मॉइस्चराइजर. आई लव्ड इट. ओके, सो दिस वॉज ऑल इन दिस बॉक्स. नेक्स्ट बॉक्स की ओर बढ़ते हैं. द नेक्स्ट दैट आई बॉट इज दिस द सस्टेनरी. दिस इज एक्चुअली अ प्लास्टिक फ्री ब्रांड. इसके किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी तरह का प्लास्टिक यूज नहीं हुआ है. सो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई बॉट. दिस इज अ टूथब्रश. दिस इज मेड अप ऑफ बैम्बू एंड इट इज सो गॉर्जियस. आई हैव 3 ऑफ दीज. नेक्स्ट थिंग जो मैंने इसमें से लिया है इज दिस. नाउ दिस इज अ कॉफी एंड पिंक सॉल्ट बॉडी स्क्रब. 100% ऑर्गेनिक, ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. इफ यू वांट आई कैन रीड इट आउट फॉर यू. फर्स्ट इज ऑर्गेनिक अरेबिका कॉफी पाउडर, सेकेंड इज हिमालयन पिंक सॉल्ट, देन इट हैज कोकोनट ऑयल एंड इट हैज वनीला एसेंशियल ऑयल. सो या, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स. नेक्स्ट आई बॉट अ सिट्रस फेस स्क्रब. दिस इज द सिट्रस फेशियल स्क्रब. इट ऑल्सो हैज ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. लेट मी क्विकली रीड इट आउट. The first ingredient is brown sugar, then it has orange peel powder, rice flour, coconut oil, lemon essential oil. The texture is exactly that of sugar, you can see. And it melts on skin, of course, because it is sugar, it melts on skin. So yeah, that was all from Sustainery. Moving on to the next brand.
नेक्स्ट आई गॉट प्रोडक्ट फ्रॉम दिस ब्रांड. नाउ दिस इज फ्रॉम अराटा. लेट मी क्विकली शो यू व्हाट ऑल थिंग्स आई गॉट फ्रॉम अराटा. दिस इज द पैकेजिंग. इसके अंदर ये क्लॉथ बैग में सामान आया है. The first thing that I received in the box is this. This is a card. The first product is a toothpaste. It is a very refreshing toothpaste. Isme peppermint hai and it has cinnamon, chamomile. These are the three ingredients and it is quite good. It is very refreshing. If you have this odor problem, so you can try this one. I felt this is a very refreshing one, so you can definitely go for it. And the next product jo maine kharida, this is a hair cream. मेरे एक्चुअल में कर्ली हेयर नहीं है. आई हैव स्ट्रेट टू वेवी हेयर, तो मेरे बालों में ये काम नहीं किया. आई थिंक दिस इज गुड फॉर ओनली कर्ली हेयर. अगर कर्ली हेयर है तो यू कैन गो फॉर दिस. आई डोंट थिंक इट इज गुड फॉर वेवी टू स्ट्रेट हेयर. मैंने ट्राई किया, इट डिडंट वर्क. नेक्स्ट ब्रांड जो मैंने ट्राई किया दैट इज द मेनकोड. मेनकोड का प्रोडक्ट मैंने अपने फादर के लिए और एक फ्रेंड के लिए मंगाया. ये मेनकोड का बॉक्स है. प्रोडक्ट इस टाइप से प्लेस्ड है. जो पहला प्रोडक्ट है मैंने जो लिया, दिस इज अ टीथ व्हाइटनिंग पाउडर. इसमें चारकोल है एंड कोकोनट शेल्स हैं. सो या आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई डोंट थिंक चारकोल पाउडर का कोई जेंडर होता है. इट इज फ्रॉम मेनकोड बट आई कैन डेफिनेटली यूज इट. नेक्स्ट आई बॉट दिस. दिस इज अ फेस पील मास्क. नाउ दिस इज नॉट फॉर मी. आई बॉट दिस फॉर अ फ्रेंड. I believe these products came inside वो cardboard boxes, but I don't know where they are. I don't know where they have gone. So yes, the last thing that I bought is a charcoal soap. This is a charcoal soap. I bought it for my dad. एक बार मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ. Yeah, this is the charcoal soap. It says Mancode over here, and then it has this behind. इसमें लिखा है with natural essential oils, 100% vegetable soap. So yeah, this is the soap. These were the products from Mancode. Now let's move on to the next brand. The next brand is Color Essence. Color Essence एक makeup brand है. इसका सामान इस type की packaging में आया. The first thing that I bought is this. मैंने एक mascara खरीदा था. ये waterproof mascara नहीं है. I don't like waterproof mascara, so I went for a normal one. This is how it looks like. इस पे लिखा है Ultra Lash Mascara. It provides volume to your lashes. I tried it. It's quite good. But ये waterproof ना होने की वजह से थोड़ा सा इसमें यह है कि it sometimes spreads when it comes in contact of moisture या water. तो yeah, this is the first thing that I bought. Next thing that I bought is a BB cream. This is a BB cream. This is how it looks like. इस BB cream के साथ जो problem है that is इसका color. Let me show you. It's not good for Indian skin tone, I believe. See, this is the color. ये बिल्कुल सफेद है. This is too bright for Indian skin tone, I feel. अच्छे से blend करने के बाद मेरे skin tone पे it works थोड़ा बहुत, but I believe Indian skin tone के हिसाब से this is too bright, I must say. कुछ ज्यादा ही fair color है ये. प्लस इसका जो अंडरटोन है आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट कि इसका अंडरटोन क्या है. यूजुअली इंडियन स्किन टोन्स पे पिंक अंडरटोन्स जाते नहीं है जल्दी से. वी हैव अ येलो अंडरटोन ऑब्वियसली. सो दिस प्रोडक्ट इज वेरी वाइट सॉर्ट ऑफ. ऐसा लगता है व्हाइट वॉश कर रखा है. सो दैट इज व्हाई आई डिडंट लाइक इट मच. बट इट हैज अ पॉजिटिव पॉइंट ऑल्सो. पॉजिटिव पॉइंट ये है कि दिस प्रोडक्ट इज having a different type of glow. If you apply it on your skin, you'll feel that your skin looks much more glowy. वो मुझे काफी अच्छा लगा. स्किन में अलग ही ग्लो नजर आता है विच इज विजिबल. आप यूज करोगे तो यू विल गेट टू नो. ब्लेंडिंग के मामले में आई गिव इट अ 8 ऑन 10. सो आई थिंक इट ब्लेंड्स रियली वेरी वेल. द लास्ट प्रोडक्ट दैट आई बॉट फ्रॉम कलर एसेंस इज अ आईब्रो स्टाइलर. ये 3-in-1 आईब्रो स्टाइलर है. फ्रंट पे इसके इस टाइप का प्रोडक्ट रहता है. यू हैव टू अप्लाई दिस एंड यू कैन यूज इट टू आउटलाइन योर ब्राउज. सेंटर पे इसके लेट मी शो यू इस टाइप का बड है. इट हेल्प्स टू फिल इनसाइड द आईब्रोज एंड एट द एंड इट हैज दिस पुली. इससे यू कैन कॉम्ब योर ब्राउज वंस यू आर डन. सो या दिस इज अ हिट परचेज. मतलब ये तो काफी काम की चीज है. आई लव्ड इट. आई बॉट इट इन द शेड ब्लैक. Now finally the last brand is Serona. I bought these products from Serona. Let me quickly show you. Pehla product jo maine Serona se kharida that is this. This is a menstrual cup wash.
I use menstrual cups. Those who have been following me, आप मेरे videos देखते हो तो आपको पता होगा that I use menstrual cup from Serona. And यही वाला menstrual wash का review मैं पहले कर चुकी हूँ and I bought it again because of course मैं इसको use करती हूँ तो मैंने खरीदा. So yeah, this is the menstrual cup wash I am using. It removes odor. It is safe for skin and it is hygienic. Yeah, I like this one. मैं काफी time से use कर रही हूँ. मुझे use करते हुए एक साल से ऊपर हो चुका है. So yes, it is a good product. नेक्स्ट आई बॉट एन एंटी एक्ने सीरम. रिसेंटली मेरे को काफी ज्यादा ब्रेकआउट्स फिर से होने लगे हैं सो आई बॉट दिस वन. लेट मी ट्राई इट कैसा है क्या है आई विल सी. इस टाइप के पैकेजिंग में यह आता है. इट कंटेन्स सैल्सिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल, हाइलुरोनिक एसिड, वाइटामिन ई. तीन इंग्रेडिएंट्स इसमें से आई हैव बीन यूजिंग ऑन माई स्किन विच इज टी ट्री ऑयल, हाइलुरोनिक एसिड एंड वाइटामिन ई. सैल्सिलिक एसिड का ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है. आई हैवंट ट्राइड सैल्सिलिक एसिड येट सो या आई एम एक्साइटेड टू ट्राई इट आउट. इट कम्स विद अ ड्रॉपर. इस टाइप के ड्रॉपर के साथ आता है ये. कंसिस्टेंसी काफी अच्छी है प्रोडक्ट की. लेट मी शो यू द कंसिस्टेंसी. थोड़ा सा दिस इज द कंसिस्टेंसी. ना ज्यादा लिक्विड है ना ज्यादा सॉलिड. इट हैज दैट परफेक्ट अमाउंट ऑफ फ्लूइडिटी एंड इट ऑल्सो एब्सॉर्ब्स वेल. सो या दिस इज द सेकेंड परचेज फ्रॉम Serona. द लास्ट परचेज फ्रॉम Serona आर दीज फेस रेजर्स. इस बॉक्स के अंदर तीन रेजर्स हैं. आई एम ऑलरेडी यूजिंग वन तो वो मैंने निकाल लिया था. आई स्टिल हैव टू इनसाइड दिस. This is the last purchase and with this I am done with the entire haul. ये वाला वीडियो मैंने काफी जल्दी जल्दी में किया because I just wanted to do the unboxing review. मैंने ढंग से नहीं किया because I had a lot of products and I didn't wanted this video to be long. आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता देना इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनी ऑफ दीज एंड यू वॉन्ट अ डिटेल्ड रिव्यू ऑफ इट. आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर द रिव्यू. सो येस, दीज वर द प्रोडक्ट्स दैट आई बॉट फ्रॉम वूवली. माई एक्सपीरियंस विद वूवली वॉज नाइस क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स टाइम पे डिलीवर हुए एंड बेस्ट पार्ट इज दैट दे हैव सीओडी. सीओडी के बिना वाली वेबसाइट्स आई डोंट लाइक क्योंकि आई कैन नॉट ट्रस्ट अ वेबसाइट ऐसे ही. मेरे साथ दो बार धोखा हो चुका है सो आई डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्क विद दैट. So yeah, that was all in today's video. Thank you so much for watching till here. अगर यहाँ तक देख लिया है तो obviously enjoy किया होगा तो please subscribe कर देना. Thank you so much. Bye bye. See you in the next video.